हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ओके, आज हम फिर से हिंदी बुक सब निर्माण, इससे हम अपना रिटर्न वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने आपको पेज नंबर 41 टू पेज नंबर 50 तक का सारा वर्क कंप्लीट करवा दिया था क्लास वर्क में एंड होमवर्क में। उम्मीद है आपने ये सारा वर्क अच्छे से कर दिया होगा, ओके, और लर्न भी कर दिया होगा। ओके, ये तो सो ये पेज आपने सारा कर दिया होगा। आज हम पेज नंबर 51 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तीन अक्षर वाले शब्द। ओके, तो इसमें तीन अक्षर वाले शब्द में हम सबसे पहले डेट डालेंगे, ओके, 14th अगस्त 2020 एंड फ्राइडे, और क्लास वर्क लिखेंगे और इसको पहले रीडिंग करेंगे और फिर इसका रिटर्न वर्क करेंगे। ओके, मा प्लस ह प्लस ल महल, क प्लस मा प्लस ल कमल, क प्लस ल प्लस म कलम, ब प्लस ट प्लस न बटन। ओके, तो इस तरह से आप इसको रीडिंग करके लिखेंगे। ओके ओके, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे 2 times फर्स्ट रो में और 3 times सेकेंड रो में। ठीक है, इस तरह से आप इनको भी पूरा लिखेंगे, समझ गए बच्चों? और रीडिंग भी करेंगे और लर्न भी करेंगे, समझ गए? पेज नंबर 52 में भी हमने पहले रीडिंग करना है, फिर रिटर्न वर्क करना। हवन हवन, सड़क सड़क, मगर मगर, डगर डगर, सहद सहद। ओके, तो इस तरह से हम इसको रीडिंग कर करके, और इसमें हमें फर्स्ट रो में हमें 3 times लिखना है और सेकंड रो में हमें 4 times लिखना है। ओके, तो इस तरह से आप इसको पूरा अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखेंगे, समझ गए? पेज नंबर 53 में भी हमको देख देख के लिखना है। ओके, तो सबसे पहले है कमल कमल, कलम कलम, महल महल, सहद सहद। ओके, तो इस तरह से आप इसको पूरे पेज में लिखेंगे, अंडरस्टैंड? और ओके, पेज नंबर 54 में भी आपको देख के लिखना है। ओके, महल हवन सड़क डगर, तो इस तरह से आप इसको पूरे पेज में लिखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 55 में भी आपको पिक्चर देख के इसको इसका रिटर्न वर्क करना है। ओके, तो पिक्चर में आपको सबसे पहले इसका रबड़। ओके, तो यहाँ पे इसको लिखना है कलस कलस, बतख बतख, मटर मटर। ओके, तो इस तरह से आपको इसको पूरे पेज में अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना है। पेज नंबर 56 में भी आपको सेम जैसे आपने अभी लिखा था, ओके, वैसे ही इसको भी लिखेंगे। ओके, रबड़ कलस बतख मटर, ठीक है। ओके, पेज नंबर 57 में आपको भी पिक्चर देख के इसको लिखना है भवन भवन, भगत भगत, नहर नहर, फसल फसल। ओके, इसको आप पूरे पेज में लिखेंगे। ओके, पेज नंबर 58 में भी आपको सेम जैसे आपने ये लिखा था वैसे ही आपको इसको लिखना है। ओके, भगत भवन भगत नहर फसल, ठीक है। पेज नंबर 59 में आपको रीडिंग करना है, फिर इसको रिटर्न वर्क करना है। नयन शहर, नमक गरम। ओके, इस तरह से आप इसको पूरे पेज में अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखेंगे। ओके, पेज नंबर 60 में आपको भी इसको भी रीडिंग करना है, फिर लिखना है इधर इधर, उधर उधर, नरम नरम, चरण चरण। ओके, तो आप इसको भी इस तरह से लिखेंगे इधर इधर। ओके, उधर उधर, न र म नरम, च र न चरण। ओके, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से हैंडराइटिंग में कंप्लीट करेंगे। ओके, पेज नंबर 61 में हमें इसमें भी क्लास वर्क लिख के शब्द पूरे करो। ओके, इसमें हमने शब्द पूरे
करने, कौन सा वर्ड इसमें आता है उसको लिख के फिर इसको शब्द पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है स, फिर खाली स्थान है क, तो इसमें हम कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, सड़क, सड़क। ओके, सेकंड है म ट र, मटर। ओके, म ट क, मटक। ब त ख, बतख। क म ल, कमल। क सॉरी म म ओके म ह ल, महल। इ ध र, इधर। न म क, नमक। ओके, फिर च र न, चरण। च म क, चमक। ओके ओके, स ह र, शहर। भ ग त, भगत। न य न, नयन। ग र म, गरम। उ ध र, उधर। न र म, नरम। ओके, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से हैंडराइटिंग में अपनी बुक्स पे लिखेंगे। समझ गए बच्चों? पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 में भी आपने सुरत लिखना है। सुरत एक में आपको, आपने जितने भी तीन अक्षर वाले शब्द अभी तक पढ़े हैं, ओके, यहाँ से जितने भी आपने पढ़े हैं, तो और ये टू लाइन्स ड्रॉ करके आपको थ्री कॉलम में जितने शब्द आपके आते हैं वो लिखेंगे। समझ गए? ओके, अब पेज नंबर 63, यहाँ से आपका होमवर्क है। पेज नंबर 63, यहाँ से आपका होमवर्क है। इसमें आपको पेज नंबर 63 में आपको चित्र को शब्द से मिलाओ। ओके, पहले चित्र लिखना है, फिर शब्द पढ़ना है और उसको उससे मिलाना है। तो आपको पहले ये पिक्चर पहचाननी है, ये पिक्चर है कमल की। तो कमल आपको कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये कमल। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से और यहाँ मैच करेंगे। ओके, फिर है बतख, तो बतख आपका ये यहाँ है, तो बतख। सड़क, ओके। मटर, हवन। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से मैच करेंगे। ओके ओके, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 में आपको चित्र देख के इनके नाम लिखने हैं। ओके, तो आपको ये पिक्चर देखनी है और फिर लिखना है। ओके, तो इसको आप हवन लिखेंगे। ओके, हवन भी लिख सकते हैं, भगत भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों पिक्चर सेम है, तो आप इसमें हवन लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, हवन और भगत। तो हमने इस पे हवन लिखा है, आप चाहे तो भगत लिख सकते हैं। ओके, हवन ये आपकी फसल है, फसल, फसल है। ओके, फिर है नहर, न ह र, नहर। मगर, म ग र, मगर। कलश, क ल श, कलश। ओके, तो इस तरह से आप इनका नाम लिखेंगे। ओके, हवन, फसल, नहर, मगर, कलश। समझ गए बच्चों? ओके, पेज नंबर 65 और पेज नंबर 66। ओके, पेज नंबर 65 एंड 66, इसको आपको होमवर्क करके और इसको वाक्य लिखो और इसको रीडिंग कर करके आपको इसको लिखना है। ओके, अमर उठकर शहर चल, अमन सड़क पर चल, इधर उधर मत टहल, बतख मत पकड़। ओके, तो इस तरह से आप इसको रीडिंग करेंगे और रिटर्न वर्क करेंगे, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अमर उठकर शहर चल और पुलग्राम। ओके, तो इस तरह से आप इसको पूरा पेज, पेज नंबर 65 और 66 इतना आपको लिखना है। समझ गए बच्चों?
ओके सो आपको पेज नंबर 51 to 66 इसको आपको अपने इस बुक में कंप्लीट करना है. ओके ओके इसके बाद आप हिंदी की कॉपीज ओपन करेंगे. ओके हिंदी कॉपी में भी हम थोड़ा सा रिटर्न वर्क करेंगे. ओके तो इसमें सबसे पहले डेट डालेंगे 14th August 2020 फ्राइडे और होमवर्क सब पूरे करो. ओके तो मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स और शब्द लिखे हुए हैं. ओके तो आप इसको अपनी कॉपीज में लिख के अच्छे से राइटिंग में करेंगे. पेरेंट्स से थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा अपने बच्चों की हेल्प करेंगे. ओके पिक्चर बनाने में सो फर्स्ट है ये आपको पिक्चर इसमें कलर भी करना है आपने. ओके कमल कमल. ओके तो आपको यहाँ पे फिर से 2 times कमल 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 कमल. ओके इस तरह से लिखना है. फिर एक कलम. ओके कलम तो यहाँ भी 2 times कलम लिखेंगे. बटन. ओके कलस बतख मटर. ओके इस तरह से आप इसको शब्दों को पूरा करेंगे और यहाँ पे भी 2 times लिखेंगे. ओके कमल कलम बटन कलर्स बतख मटर. ओके नेक्स्ट पेज में भी आपको देखिए आपको पिक्चर थी रबड़ तो रबड़ सड़क. ओके शहद 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 फसल 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 नहर नमक. ओके और फिर यहाँ पे आपको ये 2 times लिखना है. समझ गए बच्चों? उम्मीद है आप ये अच्छा सा वर्क कर लेंगे बुक्स में भी और कॉप अपनी नोटबुक में भी. ओके और इनको इन पिक्चर्स को कलर भी करेंगे. ओके थैंक यू.